पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र में इस दिन को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोड़ी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने हर साल इस दिन को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से 15 अक्टूबर को राज्य के सभी स्कूलों में इस दिन को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही मंत्रालय में भी मराठी भाषा विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाविक थे। उनकी माता का नाम असिम्मा था और वह एक गृहिणी थी। ये कुल 5 भाई बहन थे, 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन। उनकी सबसे बड़ी बहन, जिसका नाम आसिम जोहरा, और 3 बड़े भाई अर्थात कासिम मोहम्मद, मुस्तफा कमल, मोहम्मद मुथु मीरा लेबाई मारिकायर था। वह अपने परिवार के करीब थे और हमेशा उनकी मदद करते थे, हालांकि वह पूरी जिंदगी कुवारे रहे। अब्दुल कलाम के पूर्वज कई संपत्तियों और भूमि के साथ धनी व्यापारी और जमींदार थे। वे मुख्य भूमि और द्वीप के बीच और श्रीलंका से किराने का सामान व्यापार करते थे और मुख्य भूमि से पामबन द्वीप तक तीर्थयात्रियों के लिए नौका विहार करते थे। तो उनके परिवार को मारा कलम इयाक्कीवर, लकड़ी की नाव चलाने वाले, और बाद में माराकियर के नाम से जाना गया। लेकिन 1920 के दशक तक उनके परिवार के व्यवसाय विफल हो गए और जब तक अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब तक वे गरीबी से जूझ रहे थे। परिवार की मदद करने के लिए कलाम ने कम उम्र में अखबार बेचना शुरू किया था। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। वे नई चीजों को सीखना चाहते थे और अपनी पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। गणित में उनकी मुख्य रुचि थी। कलाम जी के प्रेरणा स्रोत, वे कहते हैं, बचपन में अपनी माँ को मैं नमाज पढ़ते हुए देखा करता था। वे प्रार्थना में तल्लीन हो जाती थी और सुब्बू लक्ष्मी अपने स्वरों में डूब जाती थी। किसी भी कार्य को मन की संपूर्णता से करना कितना सुखद और प्रेरणास्पद हो जाता है। नारी जाति ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। मेरे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली 2 महिलाएं थी, एक मेरी माँ और दूसरी प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बू लक्ष्मी। इनकी सरलता, सादगी, कर्मठता, स्नेह मुझे सदा प्रभावित करते रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भारत में परमाणु ऊर्जा में भागीदारी ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन की उपाधि दी। उनके योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। वह कहते हैं, मैं यह बहुत गर्वोक्तिपूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। शायद यह ऐसे बच्चों को उनके पिछड़ेपन और निराशा की भावनाओं से विमुक्त होने में आवश्यक सहायता करे। इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है। यदि आप विकास चाहते हैं, तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो। देश का सबसे अधिक तेज दिमाग क्लास के आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे।
खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही न मिले। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हो, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। हमें लक्ष्य प्राप्त करने के वक्त सिर्फ यही सोचना चाहिए कि अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रास्ता मैं खुद ही बना सकता हूँ। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट की जिंदगी ब्राइट बनाता है। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। APJ अब्दुल कलाम जी को विज्ञान क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार के नागरिक सम्मान के रूप में 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया था। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी स्थिति गंभीर हो गई, इसलिए उन्हें बेथानी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां बाद में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। श्रीजनपाल सिंह को उनके कहे गए अंतिम शब्द थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। 30 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास हुआ। क्या आप जानते हैं कि लगभग 3,50,000 लोग कलाम जी के अंतिम अनुष्ठान में शामिल हुए थे।